चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि पीडीएम इस वक्त कोशिश कर रही है कि फौज और पीटीआई का आमना सामना हो जाए, सबसे बड़ी पार्टी को फौज से लड़ाया जाए। लंदन में जो बैठा है इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, कोई समझता है कि ऐसे इकदाम से पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो ये नहीं हो सकता। पीटीआई की मकबूलियत इस वक्त 70% है। 9 मई के वाकयात की आजादाना तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। मेरे घर अगर जाना है तो सर्च वारंट लेकर आए, इस तरह दावा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। सियासी इस्तेहकाम तब तक नहीं आ सकता जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जो इलेक्शन करवा सकते हैं। मेरी आपसे अपील है कि इलेक्शन कराएं और मुल्क को जल्द अज जल्द बचाएं। इमरान खान का वीडियो पैगाम सामने आया है जिसमें उनका कहना था कि फौज को कमज़ोर करूंगा तो अपने आप को कमज़ोर करूंगा। पीडीएम कोशिश कर रही है कि फौज और पीटीआई का आमना सामना हो जाए, तो कान खोल कर सुन लो पीडीएम वालों, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये कहना था इमरान खान का।